वेलकम टू माय चैनल राधे राधे। तो हमने पहले पार्ट में ये दोरी बनाई थी, देखिए इस बटरफ्लाई तो मैंने पहले डाल दिया था, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन से दे दी है। लेकिन ये डोरी बनाना बताया पहले पार्ट में, और ये बेल बनाना बताया, और ये नीचे हमने ये जो लटकाने के लिए लगाया है स्टार, पांच कलर के अलग अलग एंड में लगाया है हमने, तो ये बनाना बताया। तो अब हम दूसरे पार्ट में दोनों रेबिट बनाना बताएँगे। देखिए ये वाला छोटा रेबिट और ये वाला बड़ा, तो इन दोनों रेबिट अब हम बनाएंगे। और ये रेबिट जो है वो मैंने दो धागे से बनाए हैं, दो धागे एक साथ लिए हैं, और ये वाला रेबिट मैंने एक ही धागे से बनाया है। तो आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। ये रेबिट मैंने दो धागे से बनाया है, क्योंकि ये एक धागे से बनाते हैं तो बहुत छोटा सा बनता है, तो ये दो धागे से मीडियम रहता है, इसीलिए मैंने इसे दो धागे से बनाया है। तो चलिए पहले ये बड़ा वाला बनाना स्टार्ट करते हैं, ये वाला पहले बनाते हैं। तो हम इसे पिंक कलर में बनाएंगे, और इसे मैं एक धागे में बना करके दिखाती हूँ, लेकिन आप दो धागे से बनाए तो भी सेम इसी तरह से बनाना है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। तो चलो इस तरह से मैजिकल रिंग बना करके स्टार्ट करते हैं। एक दो तीन और चार, पहले हमने चार चेन बनाई है, यहाँ पर हमें ट्रिपल क्रोशा बनाना है, इसीलिए हमने चार चेन बनाई। अब दो बार धागा घुमाएंगे, ट्रिपल क्रोशे में दो बार धागा घुमाते हैं, दो में से एक किया, दो में से एक किया, और दो में से एक किया। ट्रिपल धागे, ट्रिपल क्रोशिया जब हम करते हैं तब हमारे तीन बार दो दो निकालते हैं, इसे हम ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। और अगर आपको सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया नहीं पता है, तो मैंने वीडियो बनाई है जिसमें सारे स्टिच के बारे में बताया है, किस तरह से कौन सा लिया जाता है, किसे कौन सा वाला बोला जाता है, तो इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तीन तीन छः और सात, ये चेन को साथ मिला करके हमें आठ बनाना है, ट्रिपल क्रोशे हमें आठ बनाने हैं, सात हम ट्रिपल क्रोशे करेंगे, एक हमारी चार चेन, तो ये टोटल आठ बार हो गए। देखिए तीन तीन छः और सात आठ, और अब हम इसे खींच लेंगे, इस तरह से खींच करके धागा यहाँ पर रहने देंगे। अब हम यहाँ पर पांच चेन बनाएंगे, दो तीन चार और पांच। अब ये वाला हिस्सा बनेगा, इसकी पूंछ वाला पीछे का जो होता है वो बनेगा। तो ये पांच चेन बना ली, इसके बाद हम तीन छोड़कर चौथी में डालेंगे। सॉरी, ये वाला हिस्सा नहीं बनता है, ये वाला बनता है, इसका पाव बनता है, देखिए ये वाला। तीन छोड़कर चौथी में डबल क्रोशिया लिया, फिर से डबल क्रोशिया लिया, और अब इन जो हमारा ट्रिपल क्रोशिया था इसके ऊपर दो लूप है, इसमें भी हमने एक बार डबल क्रोशिया किया, और अब हमें जो हमारा ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें चार बार डबल क्रोशिया करना है, एक दो तीन और ये चार। तो ये चार बार डबल क्रोशे हो गए, और अब ये जो हमारा हॉल है यहाँ पर, इसमें हमें दो बार बनाना है, देखिए एक बार और ये दूसरी बार, देखिए। और अब हमें इस तरफ की जो हमारी चार चेन थी इसके ऊपर, अब ये नीचे वाला धागा हम साथ ले लेंगे, इसके ऊपर हमें फिर से चार बार डबल क्रोशे बनाने हैं, इस तरह से देखिए। यहाँ पर हमने चार बनाए, यहाँ पर दो बनाए, और यहाँ पर फिर से चार बनाए इसके ऊपर, और अब हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, एक दो और तीन। अब ये पूंछ वाला भाग बनेगा इसके पीछे वाला, तीन चेन बनाई, अब इन दो लूप उठा करके, ये आखिरी वाला जो डबल क्रोशिया है इसके दो लूप उठा करके यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन बार, इसी लूप में तीन बार बनाएंगे, ये तीन बार हो गए। अब हम तीन चेन लेंगे, और इसी जगह हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, तो देखिए ये हो गया। और अब हमें यहाँ पर ये जो जगह है हमारी, इसमें जा कर के एक बार डबल क्रोशिया करना है, और अब यहाँ पर आगे एक, ये जो पहले से है हमारे आगे से, यहाँ पर एक दो तीन और चार,
चार बार हम एक ही चेन में दो दो बार बनाएंगे और पांचवी में तीन बार बनाएंगे। देखिए यहाँ से गिनेंगे, ये दो हो गया एक ही चेन में। अब दूसरी वाली में दो बार हो गया, देखिए एक ही चेन में दो दो बार लेती हूँ। अब तीसरी बार, और अब ये चौथी बार। तो देखिए एक दो तीन और चार, चार बार हमने दो दो बनाए, और अब पांचवी में जा करके हम तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे एक ही चेन में तीन बार, और अब ये धागा हम काट लेंगे। और अब हमें यहाँ से देखिए आखिरी में हमने तीन बार डबल क्रोशिया बनाए। अब हम दो चेन लेकर के टर्न लेके, और इसी होल में देखिए जहाँ पर हमारी दो चेन हमने बनाई इसी के नीचे हम एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए अब ये वाला हमारा राउंड आ गया है। इसके बाद हम दो बार एक एक करेंगे, यहाँ पर दो बनाए हमने और अब हम दो बार हमने एक एक बनाए, और अब तीसरी चेन में हम फिर से दो बार बनाएंगे एक ही चेन में। देखिए तीसरी में दो बार, अब हम फिर से एक बार बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में जा करके फिर से दो बार बनाएंगे। देखिए और अब हमें यहाँ पर एक बार बनाना है, और अब हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और आगे सिंगल क्रोशिया करेंगे, और इसे आगे भी सिंगल क्रोशिया करेंगे, और इसके आगे स्लिप स्टिच करेंगे, और एक चेन लेकर के फिर से टर्न लेंगे। और यहाँ पर पहले ही चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से आगे की चेन में और एक बार स्लिप स्टिच करेंगे, और अब सिंगल क्रोशिया करेंगे, और अगली वाली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, और अब इसे अगली वाली चेन में एक ही चेन में दो बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए एक ही चेन में हमने दो बार हाफ डबल क्रोशिया किया, और अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे एक बार, और अगली वाली में जा करके दो बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक ही चेन में दो बार हो गया, और अब हम यहाँ पर फिर से एक बार करेंगे, फिर से आगे में एक बार बनाएंगे, और अब इसे आगे दो बार बनाएंगे। देखिए दो बार किया, फिर एक एक किया, फिर दो किया, और अब इसके आगे फिर से एक एक करेंगे। फिर से दो में एक एक किया, अब लास्ट में जा करके हम एक ही चेन में तीन बार करेंगे। लास्ट में जा करके तीन बार बनाएंगे। तो हमने लास्ट में जा करके तीन बना दिया। देखिए और अब हमें यहाँ पर ये वाला जो हमारा आगे का पाव होता है वो हम बनाएंगे। देखिए तो यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे, लूप लिया, ये जो हमारा डबल क्रोशिया था इसका दो लूप इस तरह से उठाएंगे और इसमें से हम निकालेंगे, और आगे का एक ही निकालेंगे, हम डबल क्रोशिया में दो निकालते हैं ऐसे नहीं, एक ही निकालेंगे, फिर से लूप लेंगे, फिर दो निकालेंगे और फिर से दो निकालेंगे, फिर से लूप लेंगे और इसी तरह से इसी जगह डालेंगे। देखिए ये जो हमारे लूप होते हैं डबल क्रोशे के दो, इसमें डालेंगे, निकाला पहला आगे का एक ही निकालेंगे, फिर से लूप लिया दो निकाला, और फिर से इस तरह से, और फिर से इसी तरह से बनाएंगे हम तीसरी बार, आगे का एक निकाला, लूप लेकर के दो दो बार दो निकाले, और अब हमने तीन बार बना लिए। अब एक चेन लेकर के धागा टर्न लेंगे,
और अब इसी जगह हम एक बार स्लिप स्टिच करेंगे और आगे हम स्लिप स्टिच करते चले जाएंगे। तीन बनाई, ये चार बनाई और ये पांचवी बनाई। तो हमने पांच बार स्लिप स्टिच किया। अब हम यहाँ पर दो चेन बनाएंगे और इसी जगह पर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और अब आगे की चेन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और अब हम यहाँ पर दो बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए पहले हमने दो किया, फिर एक किया, फिर दो किया। अब हम फिर से यहाँ पर एक करेंगे और फिर से दो बनाएंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ हो गए और ये हमारे एक बन गया, नौ हो गए। यहाँ पर हमको ग्यारह बार बनाने हैं डबल क्रोशे, तो लास्ट में जा करके फिर से दो बार बनाए तो ये ग्यारह हो गए। और अब हमें यहाँ पर से इसको टर्न लेना है इस तरह से और फिर से दस चेन बनानी है हमें इसके। देखिए ये वाले कान बनाने के लिए हम टर्न लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा वर्क फिनिश हुआ। इसके बाद टर्न लिया, फिर मैंने एक चेन बनाई। अब हम नौ चेन बनाएंगे तो ये दस हो जाएगी हमारी। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और दस। दस चेन बनाई। अब दूसरी वाली में जा करके स्लिप स्टिच करेंगे हम और फिर लूप ले करके नेक्स्ट वाली में जा करके हाफ डबल क्रोशिया करेंगे एक बार, फिर से नेक्स्ट वाली में जा करके हाफ डबल क्रोशिया दो बार। अब हम चार बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार हो गया, दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार। तो अब हम फिर से दो बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार किया और ये दूसरी बार किया और अब हम जो हमारा पहला वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे और अब हमें फिर से दस चेन लेनी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और दस। और अब हमें फिर से दूसरी वाली चेन में नेक्स्ट वाली में जा करके स्लिप स्टिच करना है और इसे नेक्स्ट वाली में जा करके हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर से हाफ डबल क्रोशिया, दो बार हाफ डबल क्रोशिया, चार बार डबल क्रोशिया और दो बार फिर से हाफ डबल क्रोशिया। तो ये दो बार हमारे डबल क्रोशे हो गए, ये तीसरा और ये चौथा और अब दो बार हाफ डबल क्रोशिया। और अब हमें यहाँ पर फिर से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। तो देखिए इस तरह से बन गया और अब हमें यहाँ पर दो चेन लेनी है और इसे हम इसी के नीचे नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हमने दो चेन बना ली, अब नेक्स्ट में जा करके फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से और अब हमें यहाँ पर और एक बार डबल क्रोशिया किया, फिर से एक बार किया। तो टोटल हमने चार बार डबल क्रोशिया की, एक हमारी दो की चेन, तीन बार हमने डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। देखिए एक बार ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट में जा करके हम दो बार एक ही चेन में ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। एक किया और इसी चेन में दूसरी बार करेंगे। देखिए एक बार हमने ट्रिपल क्रोशिया किया, अब दो बार एक ही चेन में बनाया। अब हम अगली वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार किया और ये दूसरी बार किया और अब हम आगे की चेन में दो बार हमने डबल क्रोशिया किया। अब हम तीसरी बार में हाफ डबल क्रोशिया बनाया हमने और यहाँ पर अब हम आगे सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसी के आगे वाली चेन में देखिए यहाँ पर पहली चेन है इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो देखिए हमारा रैबिट बन करके रेडी हो गया। तो अब हम यहाँ पर धागा काट लेंगे और इसे पीछे ले जा करके इसकी नोट लगा देंगे। और यहाँ पर हमने जो डोरी में हमने अटैच करने के लिए हमने ये जो बनाया है, देखिए इस तरह से चेन बनाई है। तो आप यहाँ पर से ये चेन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं डोरी में अटैच करने के लिए। और अगर ये रेबिट आप कहीं पर और यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर बीच में से कोई भी चेन आप ले करके
इस तरह से शुरू कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से आप जितनी भी चेन चाहे इतनी आप यहाँ पर बना लीजिए और इन धागे की पीछे नोट लगा दीजिए, तो इस तरह से ये आपका डोरी में लगाने के लिए हो जाएगा। देखिए इस तरह से, और यहाँ पर थोड़ा सा धागा अटैच करने के लिए रखिए नोट लगाने के लिए, फिर काट लीजिए, तो इस तरह से आपका लगाने के लिए बन जाएगा। तो आप इस तरह से ये बना सकते हैं। और अब हम इसकी आँख बनाएंगे। तो निडल में मैंने ब्लैक कलर का धागा पिरो लिया है, अगर आपके पास ब्लैक मोती है तो भी आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हमने दो ट्रिपल क्रोशे बनाए थे इसके बीच में मैंने निडल डाला है और इस तरह से नोट लगा ली थी मैंने पहले धागे में, तो इसी तरह से आप आराम से बना सकते हैं। और यहाँ पर निडल से पीछे नोट लगा दीजिए तो इसकी आँख हो जाएगी। तो इस तरह से आप धागा काट लीजिए। तो ये बन करके रेडी है हमारा। और ये आप डोरी में ही नहीं, आप कहीं पर भी इसे लगा सकते हैं। छोटे बच्चे का स्वेटर हो या तो कैप हो, किसी में भी आप इसे लगा सकते हैं बना करके। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये रैबिट भी आपको बनाना सीखना है तो इसकी वीडियो मैं आगे डाल दूंगी।